हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की मज़ेदार रेसिपी है मसूर की दाल और ऑनियन राइस। ये खाने में तो बहुत ही हेल्दी होते हैं और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल को साफ पानी से 2-3 बार धो लेंगे। अब हम दाल को बॉईल करेंगे। इसके लिए हमने गर्म पानी कर लिया है। इसमें धुली हुई दाल डाल देंगे, आधा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और दाल में उबाल आने देंगे। दाल में उबाल आ रहा है तब तक हम लहसुन और हरी मिर्च कूट लेंगे। इस तरह से दरदरा कूटेंगे, इसका एकदम पेस्ट नहीं बनाएंगे। इधर दाल में भी उबाल आ गया। अब इसमें जो ऊपर झाग आ गए हैं हम इन्हें एक चम्मच से कटोरी में निकाल लेंगे। आप अगर इस तरह से तपेली में दाल बनाएंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब इसमें कूटा हुआ लहसुन और हरी मिर्च और कटे हुए टमाटर डाल देंगे और इन्हें दाल में मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हम पूरा नहीं ढकेंगे, थोड़ा सा उगाड़ा रहने देंगे ताकि दाल में जब उबाल आए तो दाल हमारी बाहर ना आए। तो दाल पक रही है, तब तक हम चावल की तैयारी कर लेंगे। सबसे पहले हम चावल को साफ पानी से 2-3 बार धो लेंगे। तो चावल भी हमारे बढ़िया से धुल गए हैं। अब हम चावल को तपेली में बनाएंगे। तो इसके लिए तपेली में थोड़ा सा तेल डालेंगे, फिर इसमें आधा चम्मच के करीब जीरा, 2 से 3 तेज पत्ते, 7 से 8 काले मिर्चे डालेंगे और सभी को तेल में अच्छे से पका लेंगे। फिर इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लंबाई में काटेंगे क्योंकि ऑनियन राइस बना रहे हैं तो इसमें प्याज थोड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं और इन्हें हल्का गुलाबी होने तक भून लेंगे। तो प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो चुके हैं। अब हम इसमें धुले हुए चावल डाल देते हैं। और चावल को हम थोड़ी देर ऐसे ही भुनेंगे। इस तरह से अगर हम चावल को भुनकर बनाएंगे तो चावल हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। तो चावल को भुनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए। चावल हमारे बढ़िया से भुन गए हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। जितने हमने चावल लिए थे उसे डबल पानी डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे और चावल पे उबाल आने देंगे। चावल में उबाल आ रहा है तब तक हम दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी फूल चुकी है और गाढ़ी भी हो गई है, तो इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। वो दाल तो हमारी पक चुकी है। अब हम चावल को देख लेते हैं। तो चावल में भी उबाल आ गया, हम इसमें भी ढक्कन लगा देंगे और इसका फ्लेम बिल्कुल गैस कम रखेंगे ताकि चावल हमारे बढ़िया से पक जाए। अब दाल का तड़का तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले तेल में 1/2 चम्मच के करीब जीरा डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्चें। जीरा जब अच्छे से चटक जाएगा तब हम इसमें 3 से 4 कटी हुई लहसुन की कलियां डाल देंगे और इन्हें भी हल्का सा भून लेंगे। तो लहसुन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे और बचे हुए मसाले भी डाल देंगे, धनिया पाउडर और लाल मिर्च, और थोड़ा सा पानी डालकर गैस का फ्लेम कम करके मसाले को बढ़िया से पका लेंगे। मसाले को हम जब तक पकाएंगे जब तक कि मसाला तेल ना छोड़ दे। तो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, मसाला हमारा बढ़िया से पक चुका है। अब हम इस तड़के को दाल पे डाल देते हैं। तो दाल तो हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम चावल को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम खिला खिला
ऑनियन राइस बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस तरह से ऑनियन राइस ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। कटे हुए टमाटर, थोड़े से प्याज, तो देखिए कितने टेस्टी और मज़ेदार एकदम खिला खिला ऑनियन राइस बनकर तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से मज़ेदार मसूर की तड़के वाली दाल और ऑनियन राइस बनाकर देखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।